हेलो फ्रेंड्स, मैरी क्रिसमस। आज हम क्रिसमस स्पेशल कुकीज़ बनाने जा रहे हैं। इसमें हम टूटी फ्रूटी एंड काजू कुकीज़ बनाएंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले बाउल लिया है, इसमें मैंने बटर डाला है। आप बटर पिघला हुआ यूज़ ना करें। ये देखिए, मैं बटर को इस तरीके से मिक्सर की हेल्प से इसे चलाऊँगी तो ये देखिए हल्का सा मेल्ट होने लगा है। इसे हमें जब तक मिक्स करना है जब तक कि ये क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए। ये देखिए क्रीमी फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया है, 1 से 1.5 मिनट लगेगा। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ चुका है जो हमारा बटर है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है पाउडर शुगर। अब इन दोनों को हम जब तक मिलाएंगे जब तक दोनों मिलके अच्छे क्रीमी टेक्सचर और फ्लफी सा ना दिखने लगे। देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ। इसको मिक्स करने में थोड़ा सा हाथ की मेहनत लगेगी, बट 5 से 6 मिनट में आपका जो बटर और शुगर का मिक्सचर है वो अच्छी तरह से मिक्स होके फ्लफी सा हो जाएगा और कलर भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये फाइनली हमारा जो बटर और शुगर का मिक्सचर है वो अच्छे से फ्लफी हो चुका है। ये देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी चॉकलेट एसेंस, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। उसके बाद मैं एक छन्नी ले रही हूँ, उसमें मैंने डाला है मैदा। ये 1 कटोरी मैदा है, इसमें मैंने डाला है 1.5 चम्मच चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर। इसको अच्छी तरह से छान लिया है जिससे कि इसमें ये देखिए इस तरीके के होते हैं वो निकल आते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ और अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला है लिक्विड में, दूध मिल्क बिल्कुल भी नहीं डाला है। इसे अच्छी तरह से जैसा हम आटा लगाते हैं उस तरीके से बाइंड कर लेंगे। वैसे तो इसमें इतना बटर और शुगर है कि वो अच्छी तरह से बाइंड होने लगेगा, फिर भी इसमें 2 से 4 चम्मच मिल्क की नीड लगेगी तो वो मैं ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने अभी 2 चम्मच मिल्क डाला है और इसे अच्छी तरह से मिलाया है। अच्छी तरह से मैंने आटे के जैसे इसे गूंथ लिया है। थोड़ा सा मैंने मिल्क 1 चम्मच और डाला था। ये देखिए आटे की तरह हमारा अच्छी तरह से गूंथ चुका है। ये मैं इसे अच्छे से एक सा करूँगी। इसके बाद मैंने एक प्लेट को ग्रीस कर लिया है क्योंकि हम ये कढ़ाई में बनाने जा रहे हैं। मैंने घी की हेल्प से इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं लेमन के बराबर एक पोर्शन लूँगी और इसे अच्छी तरह से गोल करके, गोल करने के बाद इसे अच्छी से प्रेस कर दूँगी। ये हमारी कुकी बन गई है। इस तरीके से हमने कुकी बना ली है। इस पे मैंने कुछ कुकीज़ में टूटी फ्रूटी लगा दी है। ये मैंने 2-3 कुकीज़ में टूटी फ्रूटी लगा दी है और 2-3 कुकीज़ में मेरे पास ऑरेंज वाली जेम्स रखी थी, सर्कल वाली छोटी सी, उन्हें मैंने बाकी कुकीज़ में इन्हें लगा दिया, अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। आप चोको चिप्स का यूज़ कर सकते हैं, काजू का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी नट्स का यूज़ कर सकते हैं आप इसके लिए। ये देखिए वन बाय वन करके मैंने जो प्लेट ग्रीस करके रखी थी उसमें इसको रख देंगे और साइड में मैंने कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ये देखिए मैंने सारी कुकीज़ को अच्छे से रख लिया है और ये मेरी कढ़ाई भी प्री हीट हो चुकी थी। अब मैं इसमें इसे रख दूँगी और इसे कम से कम 30 मिनट के लिए मैं गैस में स्लो फ्लेम पे पकाऊँगी। इसको अच्छे से ढक्कन बंद कर देंगे। ये देखिए 30 मिनट बाद जो हमारी कुकीज़ है वो इस तरीके से दुगनी हो चुकी हैं और इस तरीके से हम काजू की भी कुकीज़ बना सकते हैं। मैंने रेडी करके रखी हैं और हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।